हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीटेक आरएसके और मैं हूं आपका सर राजकुमार सर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में, आज हम आपको बताने जाएंगे अगला टेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फंडा है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगा और आराम से समझाऊंगा जिससे आप आराम से समझ सकें। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हम लोग वाक्य बनाते हैं, इसमें जो वाक्य आते हैं इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहूं आदि शब्द आते हैं। तो इसमें आप जैसे कि होता है वह पढ़ता है, मैं गाना गाता हूं, हम सोते हैं, तो आपने देखा इनके पीछे ता है, ताहूं या ते हैं आती है। अर्थात इन वाक्यों में जो है काम खत्म नहीं पाया जाता, काम चल रहा होता है। इन वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, वे खाते हैं, तुम जाते हो, आप देख सकते हैं इन सेंटेंसों के अंदर ता है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आ रहे हैं। इन सेंटेंसों को बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि हमें नॉलेज होनी चाहिए एक वचन सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं और बहुवचन कौन से हैं। यदि हमें मालूम है कि एक वचन सब्जेक्ट कौन से हैं, तो आप उनके साथ हेल्पिंग वर्ब में जो हमारा मेन वर्ब होती है, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं उसमें क्या करेंगे, जैसे वह जाता है, वह एक वचन है, तो यहाँ पर जाने की क्रिया होती है गो। इस गो में हम लोग ES जोड़ देते हैं, ही गोज, बस बन गया। वह स्कूल जाता है, तो यहां पर बनाएंगे ही गो में क्या जोड़ देंगे, ES टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, सेंटेंस हमारा बन गया। और यदि हमारा सेंटेंस बहुवचन होता है, तो बहुवचन सेंटेंस के अंदर एस या ES हम मेन वर्ब में नहीं जोड़ते हैं। अब बोले जैसे तुम गांव जाते हो, तो इसको बोलेंगे यू गो टू विलेज, यहां पर हम एस या ES मेन वर्ब में नहीं जोड़ते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो उसकी क्रिया में हम लोग एस या ES जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यही क्वेश्चन अगर हमारा कोई वाक्य है कि अगर हमें वो नेगेटिव में नकारात्मक बनाना पड़े, तब हमें क्या करना है। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसके अंदर सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, जो होती है डू और डस। डू का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस जब होते हैं बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और डस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ डस का प्रयोग किया जाता है अगर नेगेटिव है, और इंटरोगेटिव है तब भी हम लोग डू या डस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही करते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे रानी गाना नहीं गाती है, तो ये बनाएंगे हम, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे रानी, क्योंकि रानी एक वचन है इसलिए डस, उसके बाद हम नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब लेंगे सिंग, इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग द सॉन्ग, और हमारा सेंटेंस बन गया। और यदि हमें सेंटेंस बहुवचन बनाना है, तो उसमें डू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम घर नहीं जाते हैं, तो यहां पर बहुवचन है हमारा वी, तो वी लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, और उसके बाद नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद मेन वर्ब जाने की क्रिया गो, उसके बाद टू, और उसके बाद होम। तो देखिए हमारा नेगेटिव भी बन गया। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अगर हमें सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाना पड़े, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिंपल, एक होता है डबल इंटरोगेटिव, WH फैमिली वाले। अगर हमारा सिंपल है, तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाएगा। जैसे क्या श्याम रोता है, इस तरह का अगर सेंटेंस आ रहा है,
तो सबसे पहले क्या के लिए हमारे में वर्ब एक वचन में डज लगानी होती है, तो सबसे पहले हम लोग डज ले लेंगे, डज श्याम वी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पीछे, क्योंकि इंटरोगेटिव है। ध्यान रखेंगे केवल इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर डू या डज का प्रयोग होगा, और एक वचन सब्जेक्ट्स जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसी की क्रिया में एक वचन सब्जेक्ट वाली क्रिया में ही मेन वर्ब में ही हम एसीएस लगाएंगे। नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाली सेंटेंसेस में हम मेन वर्ब में कोई एसीएस नहीं लगाएंगे। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव तक, जहां पर डब्ल्यूएच फैमिली के शब्द बीच में आते हैं, और उनको हम कैसे बनाएंगे मैंने पिछले वीडियो में भी इसका तरीका बताया था, एक बार फिर हम लोग इसका वर्ड ऑर्डर देख लेंगे। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डस, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अगर आपके सेंटेंस के अंदर नॉट है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई और शब्द है आपका तो उसे ETC में डाल देंगे। तो देखिए जैसे हम गांव क्यों जाते हैं, हम गांव क्यों जाते हैं, अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, इसमें नॉट नहीं है हमारा, तो सबसे पहले क्यों WH फैमिली का वाई, हम हैं बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब डू हो जाती है, वाई डू। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट उठा लेंगे अपना वी, वाई डू वी गो होम या विलेज, जो भी हमारे सेंटेंस में आ रहा है हम उसे लिख देंगे, और अगर नोट वाला है उसके लिए हमें नोट का भी यूज करना है, उसके लिए बता देते हैं जैसे राम खाना क्यों नहीं खाता है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्यों, वाई डज राम नॉट ईट द फूड। देखा ना दोस्तों कितनी आसानी से आपको ये वाक्य बनाने आ गई। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी उस समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। और एक गुजारिश और मेरी आपसे, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको टाइम पर मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।